फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, एनसीईआरटी का सारे चैप्टर का क्वेश्चन वन बाय वन कवर कर रहे हैं। आज 11वां चैप्टर होगा, जो कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से संबंधित है। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा था, उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो इनका सारे क्वेश्चन को देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की आकृति होती है। तो याद रखिएगा, मानव नेत्र की आकृति जो है गोलाकार होती है और इनका व्यास होता है, गोलाकार होगा तो उनका व्यास भी होगा, इनका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इनका व्यास भी याद रखिएगा। मानव नेत्र की आकृति गोलाकार होती है और इनका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुतली के आकार को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, पुतली के आकार को नियंत्रित जो है परितारिका द्वारा किया जाता है। यही परितारिका जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तब ये परितारिका सिकुड़ जाता है, जिसके कारण प्रकाश कम पहुंचता है और जो है आँखों को क्षति नहीं पहुंचता है। आप देखे होंगे, अंधेरे कमरे में अचानक आ जाने पर बाहर से कुछ देर तक के लिए अंधेरा लगता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा लगता है, कुछ दिखता नहीं है। तो इसका मतलब है परितारिका बाहर जाने पर सिकुड़ गया था, जो अंधेरे रूम आने पर धीरे धीरे फिर खुलेगा। इसी कारण ये काम जो होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करने का, ये काम परितारिका का होता है। अगला तो इसका सही आंसर हो जाएगा परितारिका। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। और रेटिना जो है ये वास्तविक उल्टा बनता है, और रेटिना पर प्रकाश सुग्राही झिल्ली होती है। और इस झिल्ली का काम होता है प्रकाश की किरण को विद्युत सिग्नल के रूप में परिवर्तन करना, और यही सिग्नल जो है हमारे तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और फिर मस्तिष्क जो है इसका व्याख्या करके वस्तु जैसा है वैसा ही दिखाता है। तो रेटिना पर जो है सुग्राही झिल्ली होती है, जिसमें प्रकाश पड़ने पर सुग्राही कोशिकाएं जो है सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल जो है उत्पन्न करता है। रेटिना में सुग्राही झिल्ली द्वारा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है, और इसके पश्चात जो है तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क पर भेज दिया जाता है, और मस्तिष्क जो है वस्तु जैसा है वैसा ही दिखाता है व्याख्या करके। तो इसका सही, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक या उल्टा, अगर मस्तिष्क पे पूछेगा तो जो है सीधा बनता है, जैसा वस्तु है वैसा ही बनता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को आराम से देखने के लिए वस्तु को नेत्र से कम कितनी दूरी पर रखना चाहिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसी वस्तु को अस्पष्ट देखने के लिए कम से कम जो निकट दूरी होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, इसी को अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी बोलते हैं। अर्थात किसी वस्तु को आराम से देखने के लिए वस्तु को नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिक आयु होने के कारण नेत्र का लेंस धुंधला होता है तथा दुधिया हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अधिक आयु होने के कारण नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है दोस्तों वो धुंधला हो जाता है और दुधिया हो जाता है, ऐसी स्थिति को कहते हैं मोतियाबिंद। और इसका सही आंसर हो जाएगा मोतियाबिंद।
और मोतियाबिंद जो है इनका इलाज के लिए शल्य चिकित्सा के पश्चात जो है इसका दृष्टि को वापस संभव लाना संभव है। तो इसका सही आंसर, इसका इलाज क्या हो जाएगा दोस्तों, शल्य चिकित्सा के द्वारा इसका जो है दृष्टि को वापस लाया जा सकता है, शल्य चिकित्सा के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को अस्पष्ट देख सकता है पर दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, तो ऐसे दोष को कहते हैं। तो ऐसे जो निकट की वस्तु को अस्पष्ट देख सकता है उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकट, इसका मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। तो कभी कभी एग्जाम में निकट दृष्टि दोष ना लिखकर हिंदी में भी मायोपिया लिखा हुआ रहता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। और हाइपरमेट्रोपिया होता है दूरदृष्टि दोष, ये दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष। और ये जो होता है प्रेसबायोपिया, ये होता है ज़रा दूरदृष्टिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मायोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया होता है दूरदृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं पर निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं, तब दूरदृष्टि दोष कहलाता है। दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं पर निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। और प्रेसबायोपिया होता है ज़्यादा आयु हो जाने के कारण नेत्र का समझन क्षमता में जो समझन क्षमता होता है वो घट जाता है, जिसके कारण से जो है वस्तु दूर की वस्तु तथा निकट की वस्तु को आसानी से नहीं देख पाता, ना दूर की ना दूर ये निकट की। तो इसके लिए जो है बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें ऊपर में अवतल लेंस लगा होता है, चश्मा होता है जिस तरह, इस तरह से। तो इसमें ऊपर वाले भाग में अवतल लेंस, नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस लगा होता है। इसी प्रकार से जब ऊपर की ओर आँख किया जाएगा तो दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस सहायता करता है, जबकि निकट की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस सहायता करता है। तो आगे देखेंगे, फिलहाल के लिए जो निकट दृष्टि दोष होता है उसका उपचार के लिए उसे कहते हैं किसी वस्तु को अस्पष्ट देख सकते हो, दूर की वस्तु को नहीं देख सकते, तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज़रा दूर दृष्टिता के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जैसे अभी बताया कि ज़रा दूर दृष्टिता में जो है निकट तथा दूर दोनों का वस्तु नहीं देख पाता, और इसके लिए बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसे हिंदी में द्विफोकसीय लेंस भी कहते हैं, द्विफोकसी लेंस भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, द्विफोकसी लेंस या बायोफोकल लेंस कहा जाता है। इस दोनों लेंस, इसमें जो होता है दो लेंस लगा होता है, ऊपर अवतल लेंस, नीचे उत्तल लेंस। अवतल लेंस दूर की वस्तु को देखने के लिए मदद करता है, जबकि नीचे जो उत्तल लेंस लगा होता है वो निकट की वस्तु को देखने में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोफोकल लेंस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंद्रधनुष सदैव होता है सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के दिशा में या सूर्य की ओर? तो याद रखिए, इंद्रधनुष जो बनता है वो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य के विपरीत दिशा में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो इस सवाल का जवाब दीजिए। तो तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, और ये किस प्रकार से होता है समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये तारा है। तो तारे का जो प्रकाश आएगा ये यहाँ पे वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तो ये विरल माध्यम होता है, ये सघन माध्यम होता है। विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश जो है धीरे धीरे मुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभिलंब से झुकेगी तो अर्थात धीरे धीरे मुड़ेगा। और तारे का जो है वास्तविक स्थिति यहाँ पे होगा, लेकिन तारा दिखाई देगा इस जगह पे। और जो है वायुमंडल की अवस्था अस्थाई नहीं होती है, जिसके कारण से जो है
टिमटिमाता हुआ नजर आता है। वायुमंडल में बहुत सारे कण होते हैं और जो डगमगाते रहते हैं, इसीलिए इसकी अवस्था स्थायी नहीं होती, इसी कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगला और इसका एक कारण है और कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है सूर्योदय और सूर्यास्त है ना दोस्तों। सूर्योदय में क्या होता है, सूर्योदय जो है 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त 2 मिनट बाद दिखाई देता है। तो ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश का परिकर्णन के कारण, याद रखिएगा, आकाश का रंग नीला परकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और परकीर्णन मतलब होता है फैलना। जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है, इसका मतलब होता है फैलना। जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो जो लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, जिसके कारण उसका फैलाव कम होता है और सबके अपेक्षा नीला रंग का फैलाव अधिक होता है। वायुमंडलीय कण से टकराने के बाद नीला रंग का फैलाव अधिक होता है, अर्थात परकीर्णन अधिक होता है, तो इसी कारण से जो है आकाश नीला दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ पे वायुमंडल नहीं होगा पृथ्वी में तो आकाश का रंग काला होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा परकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे कहते हैं? तो मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टिपटल कहते हैं, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, पक्षमाभि द्वारा जो है अभिनेत्र लेंस, जो आँख की लेंस होता है उसका फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है। और परितारिका काम होता है, परितारिका का काम होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षमाभि द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देगा? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का रंग दिखाई देगा वो काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेत्र गोलक का व्यास, तो सबसे पहला क्वेश्चन में ही बताया था कि नेत्र गोलक का व्यास जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है और ये गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का प्रिज्म का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जो स्पेक्ट्रम होता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश जो है प्रभावित करने पर 7 रंग में विभाजित होता है, ठीक है। ये सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो न्यूटन ने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, बस ख़त्म हो चुका है सारे क्वेश्चन, आज ये छोटा सा चैप्टर था, कल जो है इसका अगला चैप्टर देखेंगे जो 12वां चैप्टर होगा। इन सारे सवालों को अच्छे से याद कर लीजिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हाँ, वीडियो को अगर आपको पसंद आए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा कि जो है नया सीखे, तो ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको वीडियो में किसी प्रकार का त्रुटि नज़र आता है या किसी प्रकार का सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।